तो इसी साथ ही डे 8 में आप सबका स्वागत है। और अभी हम लोग पॉलिटी में पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोगों को क्या पढ़ना था आज? हम लोगों को पढ़ना था 1909 का, 1909 का एक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसमें आपको पता होना चाहिए मॉर्ले कौन है और मिंटो कौन है। इसको मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स भी बोलते थे, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मॉर्ले साहब हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जी हमारे वो थे वाइस रॉय। ठीक है, गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ, वाइस रॉय थे। ठीक है, सो अब ये मिंटो से मिलने कुछ लोग आए। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि भाई कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा एक मुस्लिम कंटिजेंट आता है, इनको शिमला में मिलता है। एक्चुअली उस समय ये लोग शिमला में रहते थे मिंटो, क्योंकि गर्मी पड़ती थी, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो फुल टाइम शिमला में पड़े रहते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले तो मिले, उनके बाद इसी शिमला ही शिमला में एक मुस्लिम डेलीगेशन मिलता है इनसे। ठीक है, और मुस्लिम डेलीगेशन का हेड कौन करते थे? आगा खान। तो इन्होंने मिला और कहा कि हमको कुछ स्पेशल प्रोविजंस जाने चाहिए मुस्लिम्स को। तो मिंटो ने कहा कि हाँ देंगे, तुमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। ठीक है, और सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया 1909 में। ठीक है, तो अभी ये शिमला से मिलके गए। उसके बाद फिर आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, इसी को हम लोग मॉन्टेगु सॉरी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो इसमें जो ट्रेंड पहले से चल रहा था वो ट्रेंड चलता आ जा रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा था? जो आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके मेंबर्स को इंक्रीज करने का, मेंबर्स को इंक्रीज करने का, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने का और पावर्स को भी इंक्रीज करने का। तो यहां भी यही सेम चीज हुआ, मेंबर्स भी इंक्रीज हो गए और मेंबर्स के कुछ पावर्स भी इंक्रीज हो गए। देखेंगे क्या क्या पावर्स। सबसे पहले देखते हैं मेंबर्स कितने इंक्रीज हुए। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 मेंबर थे, 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो आपके यूनिफॉर्म नहीं रहते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कितने मेंबर्स हो गए। तो इसमें भी आपके मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए। ठीक है, अब देखते हैं किस किस में क्या क्या मेंबर्स इंक्रीज हुए हैं। तो बेसिकली बॉम्बे में, आपके मद्रास में और आपके बंगाल में, और साथ ही साथ यूनाइटेड प्रोविंस, इन सब में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इंक्रीज टू 50 मेंबर्स। 50 मेंबर के हो गए ये। इसके अलावा हमारे पंजाब, बर्मा और असम, इसमें 30 मेंबर हो गए। इसमें हमारे 30 मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं। अच्छा, अब ये जो मेंबर्स होते हैं, हमने कहा था कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल को समझेंगे। तो इनमें सबसे पहले तो कुछ एक्स ऑफिशियो होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मतलब जो आपके गवर्नर होगा और उसका काउंसिल होगा, उनके मेंबर्स सारे इनमें प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। ऑफिशियल मेंबर्स वो होते हैं जो कि आपके गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो कि आपके उस समय के गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करते थे, सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, उन्हीं को गवर्नमेंट नॉमिनेट कर देती थी, तो वो हो जाते थे ऑफिशियल मेंबर्स। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो बोलेगी वो करेगी। उसके बाद होते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी दो प्रकार के होते थे, एक वो जो नॉमिनेटेड, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते थे, उनको आपका नॉमिनेट किया जाता था बाय गवर्नर और गवर्नर जनरल इन केस ऑफ आईएलसी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल नॉमिनेट करता था, लेकिन वो है ये नॉन ऑफिशियल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ और इलेक्टेड भी होते थे। ठीक है, कुछ इलेक्टेड भी होते थे। तो ये इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में समझते हैं। ये अच्छा, इलेक्टेड मेंबर्स भी नॉन ऑफिशियल होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, और इसको इनको चूज किया जाता था, इनको इलेक्ट किया जाता था। कौन इलेक्ट करता था? चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी के लोग, जो जमींदार है। ठीक है, इसके अलावा आपके लैंडलॉर्ड हो गए, जमींदार हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ट्रेडर्स एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन भी इनको चूज करता था, एज वेल एज लोकल बॉडीज। ठीक है, तो लोकल बॉडीज भी इनको चूज किया करते थे।
और ये लोकल बॉडीज का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता था, ठीक है, जो कि आपका लोकल बॉडीज का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता था, जो चूज करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, और ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स ही आपके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स आपके इलेक्ट करते थे। तो ये पूरा प्रोसेस चलता था इलेक्ट करने का मेंबर्स। तो ये हमने बात करी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की, ठीक है। एक और कुछ चीज है, अब आप बोलोगे सर पावर्स क्या क्या बढ़ा ये बताइए, ठीक है। देखिए आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर्स इंक्रीज कर दिए गए, क्या इंक्रीज कर दिए गए, पहले तो भैया ये लोग थे रबर स्टैम्प, रबर स्टैम्प के बाद धीरे धीरे इनको थोड़ा थोड़ा पावर दिए, कहा कि बजट पर डिस्कशन कर सकते हो आप और आप एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, लेकिन बजट के ऊपर कोई रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते। लेकिन इस केस में इन्होंने दिया कि बजट के ऊपर आप रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हो, और पहले था कि भाई एग्जीक्यूटिव को सवाल पूछ सकते हो, अभी इन्होंने कहा कि आप सप्लीमेंट्री सवाल ही पूछ सकते हो, मतलब एग्जीक्यूटिव ने कोई जवाब दिया उसके अगेंस्ट में आप एक और सवाल अगर पूछना चाहते हो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तो वो भी आप पूछने का अधिकार आपके इस एक्ट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या ये नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी में कोई ये हस्तक्षेप नहीं कर सकती, फॉरेन पॉलिसी में कोई बात नहीं कर सकती, और इवन प्रिंसली स्टेट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा उसके बारे में भी आपका ये कोई बात नहीं कर सकती। तो ये पूरी कहानी हम लोगों ने यहाँ पे खत्म करी ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब आप लोगों को क्लियर ही होगा कि भैया एक छोटा सा एरिया को एक इलेक्टोरेट है, यहाँ पे इलेक्शन होंगे, इलेक्शन करके एक बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है, सॉरी इलेक्ट किया जाएगा। तो जो इलेक्ट किया जाएगा जिस व्यक्ति को, वो उसका फिक्स कर दिया गया, जैसे मुस्लिम इलेक्टोरेट कर दिया गया इनको, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट होगा वो मुस्लिम होगा, ठीक है। यहां तक तो बात ठीक थी कि भैया जो इलेक्ट होगा वो मुस्लिम होगा, लेकिन कहा कि ये जहां जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां पे केवल मुस्लिम से इसको वोट दे सकते हैं, मतलब बेसिकली कि उस एरिया में जिस एरिया को सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर किया जाएगा वहां हिंदूज के राइट्स खत्म, वहां केवल मुस्लिम ही वोट देके मुस्लिम को चूज कर सकता है। तो ये एक बड़ा ही भेदभाव वाला नीति है जो यहाँ पे एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत आपका सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया फॉर मुस्लिम्स। तो इसको लाता कौन है, ऑब्वियसली मिंटो, मॉर्ले मिंटो में आता है, तो मिंटो को बोला जाता है इसी इसी कारण फादर ऑफ कम्युनल कम्युनल इलेक्टोरेट, मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। और ये प्रोसेस को बोलते हैं लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव में भी कुछ चेंज किए इन्होंने, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव में क्या चेंज किए, तो सबसे फर्स्ट इंडियन, भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक कोई इंडियन नहीं था, लेकिन पहली बार एक इंडियन को इंट्रोड्यूस किया गया जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को किया गया यहाँ पे क्या कहते हैं नॉमिनेट इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फर्स्ट इंडियन टू गेट नॉमिनेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं, इसको याद रखना ही रखना है। तो यहां पे हम लोगों ने खत्म किया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहां पे हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के एक्ट की बात करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे, ऑब्वियसली मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड थे वाइस रॉय, ठीक है, ये भी हमको नाम से क्लियर होता है, ठीक है। तो ये 1919 में आने से पहले आपका एक अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था, 22 अगस्त 1917 को आपका ये डिक्लेरेशन हुआ था, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। उसमें इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग इंडिया में आएंगे, इंडिया में एक लॉ लाएंगे जिसमें हम लोग इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लोगों ने मान लिया कि भाई इंटीग्रेशन ये कुछ करेंगे बढ़िया, लेकिन फिर इन्होंने यहां पे इन्होंने कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कंसेप्ट है इसको और इंक्रीज करते हैं, मतलब और लोगों को देते हैं। तो इन्होंने किन किन को दिया, भाई मुस्लिम को तो ऑलरेडी मिला ही हुआ था, इसके अलावा सिख कम्युनिटी को दिया गया, क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिया गया, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी को दिया गया, और यूरोपियंस को भी दे दिया गया।
यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस और सिख को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली ये भी डिवाइड एंड रूल का काम कर रही है। ठीक है, अच्छा अब ये ऑब्वियसली यहाँ पे हमने कहा इलेक्शन भी होंगे, तो इलेक्शन में वोट देने का अधिकार किसको होगा? तो वो कहा कि भाई वोट देने का अधिकार कुछ कुछ लोगों को ही होगा, बस जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी भी हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ टैक्स देते हो और एक पर्टिकुलर एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हो, तभी आप वोट देने का अधिकार रखते हो। तो अगर आपसे कहे क्या इन सब इलेक्शनों में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, तो बिल्कुल नहीं था। वोट देने का अधिकार केवल कुछ ही लोगों को मिला हुआ था। ठीक है, इसके बाद कुछ कुछ बात करी इन्होंने, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टार्ट किया। ठीक है, ये फेडरल नहीं था, सेंट्रल था। ठीक है, फेडरल में क्या होता, फेडरल और स्टेट का अलग अलग नहीं था, ये सेंटर का, सेंटर एक सेंट्रल बॉडी थी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम्स वगैरह लेने का काम करती थी। ठीक है, और ये कब आया, ये आया 1926 में, बनकर तैयार हुआ, प्रॉपर एस्टेब्लिश हुआ इसका। और कौन से किस किस कमिटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था, तो ली कमिटी। तो ली कमीशन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ली कमीशन बेस्ड ऑन, तो ली कमीशन बेस्ड ये 1923 में बैठा कमीशन टू मेक द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए ली कमीशन बैठता है। तो इसी का प्रोविजन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को आ गया था कि हम लोग बनाएंगे एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है हमारा लेजिस्लेचर में क्या 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 चेंजेस है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं भाई, आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का तो था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ पावर्स कम कर दिए गए और वो पावर्स लेके दे दिया गया हाई कमिश्नर, एक बना दिया पोजीशन ऑफ हाई कमिश्नर। कहाँ बैठेगा, लंदन में बैठेगा, प्रोविजन ऑफ हाई कमीशन इन लंदन, लंदन में ये बैठेगा और इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ पावर्स दे दिए जाते हैं। और तो ये एक यहाँ पे बात हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से याद रख ली, सेपरेट इलेक्टोरेट भी देख लिया हमने। अब हम लोग बात करते हैं बजट की। पहली बार बजट को सेपरेट कर दिया गया, सेंट्रल का बजट अलग, स्टेट का बजट अलग। स्टेट यानी कि उस समय तो उसके प्रोविंसेस, दोनों का बजट को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, और इसको बोला गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज के समय में अगर कहेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो 112 आर्टिकल आपको याद रखना होगा, 112 आर्टिकल है ऑन बजट, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा अब दो सब्जेक्ट बना दिए गए, कहे कि भैया दो सब्जेक्ट बनेंगे, एक होंगे सेंट्रल सब्जेक्ट्स जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और एक है आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद प्रोविंसेस में, अच्छा सेंट्रल को कहा गया कि अब ये जो सेंट्रल आपका लेजिस्लेटर है वो बाइकैमरल होगा। बाइकैमरल का मतलब क्या होगा, एक लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, उस समय लोकसभा राज्यसभा नाम नहीं था, कुछ और नाम था, लेकिन एक अपर हाउस था एक लोअर हाउस था, अपर हाउस और लोअर हाउस में इस तरीके से तोड़ दिया गया। ठीक है, और प्रोविंसेस में लाई गई डाईआरची, ये काफी बार पूछता है, डाईआरची का इंट्रोडक्शन होता है, DYARCHY, डाईआरची का इंट्रोडक्शन होता है इन प्रोविंसेस। होता क्या डाईआरची समझेंगे, तो डाईआरची में उन्होंने कहा कि दो सब्जेक्ट होंगे, एक होंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो सारे सब्जेक्ट जिसमें गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल तो नहीं यहां पर, तो गवर्नर होगा राइट, तो जो गवर्नर है वो मिनिस्टर्स के साथ मिलके, मतलब जो भी इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से कुछ मिनिस्टर्स बनेंगे, वो मिनिस्टर्स के साथ कोई भी डिसीजन लेगा। तो इज द ट्रांसफर सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर के साथ ही मिलके आपका सारा काम हो रहा है, लेकिन कुछ होंगे रिजर्व, इस रिजर्व में गवर्नर अपने मन से करेगा, अपने मन से और अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके। इसमें ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल से इनको कोई मतलब नहीं, अपने पास ही रिजर्व रखते हैं। तो सो आर द सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, समझे, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई ट्रांसफर सब्जेक्ट में इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि उन्हीं के साथ मिलकर बना रहे हैं, पर उनके उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन रिजर्व जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें गवर्नर अपने मन से और अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर डिसाइड करके डिसीजन लेता था, लॉ बनाता था। तो ऐसे लॉज क्या, ऐसे सब्जेक्ट्स क्या आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल पर रेस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल नहीं है, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है डाईआरजी के बारे में।
ठीक है, डाईआरसी किताब लिखी गई है किसके द्वारा, या लियोनासिस क्या स्पेलिंग है पता नहीं, CORTOIS क्या प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, बट ये आपका ये किताब लिखी गई है डाईआरसी भाई, LYONN LYONN AIS, लायनस कोटवा बोलते हैं आई गेस को, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं थोड़ा सा फनी। तो ये डायआरसी किताब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग समझ में आती है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन भी देख लिया। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो हमने सिस्टम पूरा बनाया है लंबा चौड़ा, इसका हम लोग देखेंगे कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग एक कमिटी बनाएंगे, एक स्टैट्यूटरी कमिटी बनाएंगे, स्टैट्यूटरी कमिटी बनाएंगे हर 10 साल में, मतलब 1919 में है, यानी कि 2029 को, सॉरी 1929 को एक कमीशन बनना चाहिए, लेकिन एक कमीशन 1927 को ही बन जाता है। इसी को बोलते हैं साइमन कमीशन। यही साइमन कमीशन देखने के लिए आया था कि भाई अभी जो सिस्टम चल रहा है ये ठीक है या इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। और तो साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन आने के बाद बहुत सारा टर्मोइल होता है, वो लड़ाई झगड़ा होता है, उसके बाद आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा और तीसरा, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आपका एक व्हाइट पेपर जारी किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि सफेद पेपर होता है कोई, व्हाइट पेपर बेसिकली होता है कि एक पेपर जिसमें आपकी पॉलिसी के बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं व्हाइट पेपर। ये आया था 1933 में, और फिर जाके 1935 में अब हमारा दूसरा जो एक्ट है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आप कह लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1933, सॉरी 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सबसे बड़ा आपका लॉ था। और हमारा जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी हद तक इसी एक्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस एक्ट के बारे में चीजों को हम लोग और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इसको कहेंगे हम लोग लॉन्गेस्ट एक्ट, सबसे बड़ा एक्ट था, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट एक्ट। क्यों लॉन्गेस्ट कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 321 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 14 पार्ट्स थे और 10 शेड्यूल्स थे, काफी बड़ा था। और इसको बेसिकली दो पार्ट्स में हम लोग समझ सकते हैं, एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, एक था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट ऑफ 1935। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं, पहले इंडिया और बर्मा को साथ में गवर्न किया जाता था, अभी बर्मा को सेपरेट कर दिया गया, बर्मा को एक सेपरेट कर दिया गया इंडिया से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा हम लोग एक बनाएंगे ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। तो आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का कंसेप्ट कहां से आया, तो ये आपका आया 1935 में, लेकिन ये बन नहीं पाया कभी। उसके बाद काफी ज्यादा टर्मोइल हो जाता है कंट्री में, कुछ ही टाइम के बाद आप देख लीजिए वर्ल्ड वॉर टू चालू हो जाता है और काफी टर्मोइल हो जाता है, तो ऑल इंडिया फेडरेशन बेसिकली बन ही नहीं पाया। लेकिन कंसेप्ट ये था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा जिसमें आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस और आपके प्रिंसली स्टेट्स दोनों मिलके आएंगे, और प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करने का कोई कंपल्शन नहीं होगा, ये चाहे तो ज्वाइन करें, अगर चाहे तो ज्वाइन नहीं भी कर सकते। तीन लिस्ट होंगे, एक आपका होगा फेडरल लिस्ट, एक आपका होगा प्रोविंशियल लिस्ट और एक होगा आपका कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। फेडरल लिस्ट में आएंगे 59 आर्टिकल्स, प्रोविंशियल में आएंगे 54 सब्जेक्ट्स, सॉरी आर्टिकल्स कह रहा हूँ, 54 सब्जेक्ट्स, और कंकरेंट में आएंगे 36 सब्जेक्ट्स। तो ये लिस्ट तब बनके तैयार हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखना आसान है हमारे लिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमने क्या करा था, बाई कैमरल हमारा क्या था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब सेंटर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बाइकैमरल था, दो हाउसेस होंगे उसमें, ठीक है। और जो अगर प्रोविंसेस की बात करें तो आपका डाईआरसी था इन द प्रोविंसेस, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और प्रोविंसेस में डाईआरसी था। अब ये सिस्टम ये लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, बाइकैमरलिज्म तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में था ही, इसके साथ साथ प्रोविंशियल में भी ऐड कर लेते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बाई कैमरल कर दिया जाता है। सारे नहीं, टोटल आपके 11 थे, 11 में से 6 प्रोविंसेस में आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, ठीक है। तो यहां पे एक सवाल बनता है कि कौन से 6,
ऑब्वियसली बंगाल था, बॉम्बे था और मद्रास था, ये तो था ही। इसके साथ ही साथ आपका असम था, आपका बिहार था और आपका यूनाइटेड प्रोविंस यूपी। तो यूपी, बिहार, असम, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये छह हमारे प्रोविंसेस थे जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर कर दिया गया। सेंटर में तो था ही। अच्छा, अभी डाईआरसी पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में था, इन्होंने कहा कि खत्म कर देते हैं ये डाईआरसी का जो सिस्टम है प्रोविंसेस में, इन्होंने खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, लेकिन इनको सेंटर में ले आया। सेंटर में आपका डाईआरसी हो गया और प्रोविंसेस में डाईआरसी खत्म हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनता है, ठीक है। तो अच्छा, ऑब्वियसली आपका इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर में था उसमें दो हाउसेस थे, वो तो बाइकैमरल था ही। इसमें एक अपर हाउस था, एक लोअर हाउस था। अपर हाउस में टोटल मेंबर्स थे 260 और जो लोअर हाउस में टोटल मेंबर्स थे 375, ठीक है। और इनमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे अपर हाउस लोअर हाउस में, नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करेगा और दोनों जगह आपके आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें इन्होंने कहा कि अब करेंगे हम लोग इलेक्शन, ठीक है। और इलेक्शन तो वैसे भी होते थे, तो अभी फ्रेंचाइज बढ़ा दिया गया और ज्यादा लोगों को वोटिंग राइट दिए गए। मतलब वोटिंग राइट्स कम, पॉपुलेशन के 10% लोगों को वोटिंग राइट दे दिया गया। सुनने में कम लग रहा है लेकिन उस समय के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा था। पहली बार ऐसा हुआ कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन विल वोट, तो वोटिंग फ्रेंचाइज को बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था। अभी पहले क्या था, सेंट्रल पब्लिक कमीशन था टॉप पे, उसको चेंज करके कर दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके साथ ही साथ आपके प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन लाया गया, साथ में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चालू कर दिया गया। इसके अलावा आपका आरबीआई आता है, फेडरल कोर्ट आता है, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट के बारे में कुछ समझते हैं भाई। फेडरल कोर्ट में सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस वॉज सर मॉरिस बॉयर, MAURICEGWER और GWYER, मॉरिस गॉयर थे हमारे सबसे पहले चीफ जस्टिस। और ये चीफ जस्टिस के साथ दो जजेस और थे भाई, आपके जो फेडरल कोर्ट में दो जजेस और थे। तो एक फेडरल जज हमारे थे इंडियन, उनका नाम था MR जयकर, MR जयकर के साथ साथ दूसरे थे, सेकेंड वॉज सर शाह मोहम्मद सुलेमान, सर शाह मोहम्मद सुलेमान। तो ये हमारा फेडरल कोर्ट्स के बारे में हो गया, ठीक है। अच्छा, फेडरल कोर्ट से अगर अपील अपील होती तो कहां जाते थे? तो फेडरल कोर्ट से अगर अपील होता था, इट वेंट टू द प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल था, इंग्लैंड में बैठता था। तो अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अपील कीजिए, अपील करने के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा प्रिवी काउंसिल के पास। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पे समझ ली है। अच्छा हाँ, एक चीज और, हमने कहा डायआरसी तो इन्होंने प्रोविंस में हटा दिया गया, डायआरसी हटा के लाया क्या? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आपसे पूछा जाए कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब आया, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया आपका 1935 में, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में क्या होता है समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो तो गवर्नर है वो हेड होगा, लेकिन ये किसके एडवाइस पे चलेगा, जैसा कि आज के समय होता है, ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके आपके एडवाइस पे चलेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये सिस्टम इन्होंने बना दिया, मतलब जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करेगा। तो एक तरीके से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई, गवर्नर अपने मनमाना काम नहीं करेगा, लेकिन गवर्नर के पास अभी भी पावर दी गई, कुछ कुछ इनके पास अभी भी पावर थी। तो ये बात यहाँ पे हम लोग समझ में आती है। गवर्नर के पास, गवर्नर चाहे तो गवर्नमेंट को सस्पेंड भी कर सकता है, मतलब कुछ ऐसे पावर गवर्नर्स को दे दी गई, लेकिन इन होल आपका पूरा सिस्टम में आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। प्रोविंसेस अपने आधार पे सारे डिसीजंस लेंगे और एडवाइस करेंगे गवर्नर को, और गवर्नर को उनके एडवाइस पे काम करना पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम जो आज के समय भी है वो उस समय भी लागू कर दिया गया इन द नेम ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। और एक बार इसको भी समझ लेते हैं भाई, आपके सेंटर में डायआरकी कैसे होगी? तो हमने कहा था कि भाई सेंटर में डायआरकी होगी,
तो भाई सेंटर में आपका कौन होता था? सेंटर में आपका गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर जनरल तो नहीं, वाइस रॉय बोलेंगे ना, तो वाइस रॉय था। ठीक है, वाइस रॉय कहता था कि भाई मेरे पास तीन एडवाइजर होंगे और ये तीन एडवाइजर मिलके हम लोग सारा काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे रिजर्व। और उसके बाद ट्रांसफर सब्जेक्ट सर, भाई ट्रांसफर सब्जेक्ट मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हम वाइस रॉय होंगे और हमारे साथ आपका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसके एडवाइस पे काम कर रहा है ये। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा 10 से कम ही होगा, मैक्सिमम दे दिया गया कि भाई काउंसिल मिनिस्टर 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 10। तो वाइस रॉय जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर कोई लॉ बनाता था तो उसको कहते थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे वाइस रॉय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेता था, लेकिन कुछ ऐसे रिजर्व सब्जेक्ट थे जो वाइस रॉय और उसके कोई तीन एडवाइजर्स मिलकर सारे डिसीजंस लिया करते थे, सारे लॉ बनाया करते थे। ऑब्वियसली आपका ये जो रिजर्व सर्विस रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे, क्या ये रेस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जब आप ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्या ये आपका रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल है? हाँ बिल्कुल है। तो ये दो बात हम लोगों को समझनी पड़ेंगी। अच्छा, सेंटर के ये जो रिजर्व सब्जेक्ट की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि भैया एक्सटर्नल अफेयर्स, आपका प्रेस, आपका पुलिस, आपका टैक्स, आपका जस्टिस, ठीक है, आपका फॉरेन अफेयर्स। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जो कि केम अंडर द रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग 1935 का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिनिश कर दिया। तो अब हम लोग बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया कब? 1947। उससे पहले की कुछ कहानी समझते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है भाई 20 फरवरी को। 20 फरवरी को जो नए हमारे आपके प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं इंग्लैंड में, तो नए प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं जिनका नाम होता है क्लीमेंट एटली, ठीक है, वो आते ही कहते हैं कि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो 20 फरवरी 1947 को कहते हैं कि अब हम इंडिया को फ्री कर देंगे। कब तक कर देंगे? किसी भी हालत में जून ऑफ 1948 तक फ्री कर देंगे। और अगर 1948 तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है डेडलॉक का, उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक डेडलॉक बना हुआ था, कोई भी किसी भी सोल्यूशन के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये डेडलॉक आप ठीक नहीं करते हैं जून 1948 तक, तो हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने घर चले आएंगे, आप अपना देख लेना। तो ऐसा एक बात कही गई बाई क्लीमेंट एटली, और क्लीमेंट एटली ने कहा कि दिस वी आर फुलफिलिंग द, वो क्या है, फुलफिलमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को बोला फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश मिशन। ब्रिटिश मिशन का फुलफिलमेंट हो जाता है इस एक्ट से। तो वो तो कहते थे कि ब्रिटिश मिशन लेके आए थे इंडियन को सुधारने के लिए, ठीक है, तो कहते हैं वो मिशन फुलफिल हो गया। तो ऐसा इनका कहने का मतलब था। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड सैमुअल। लॉर्ड सैमुअल ने इस पे कहा था, इट इज अ पीस ट्रीटी विदाउट वॉर। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 1947 को उन्होंने कहा कि इट इज अ पीस ट्रीटी विदाउट वॉर। ठीक है, तो 20 फरवरी में ये सब कार्यक्रम होता है। ठीक है, और ये इसके बाद मुस्लिम लीग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उनका एजिटेशन चालू होता है कि ये क्या बात बोल रही है उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद जून 3 में जाके आपका आता है फाइनली 1947 जून 3, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आता है हमारा माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान आ जाता है जिसमें ये कह देते हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान अलग हो जाएंगे, यानी कि इंडिया पाकिस्तान में मतलब जो पार्टीशन की बात थी वो माउंटबेटन प्लान में से आया। माउंटबेटन उस समय कहते हैं वाइसराय। ठीक है, और ये भी कह दिया, प्रिंसली स्टेट को भी कह दिया कि पार्टीशन तो हो गया इंडिया पाकिस्तान का, प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन है कि भाई या तो इंडिया ज्वाइन करे या तो पाकिस्तान ज्वाइन करे, या तो एक और ऑप्शन है आप फ्री रह लो। ठीक है, तो ये बात कही मॉन्टेग्यू, सॉरी मॉन्टेग्यू कह रहा हूँ, माउंटबेटन प्लान में। ठीक है, फिर आता है जुलाई 4 आता है। जुलाई 4 में आपका ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और ये पास हो जाता है जुलाई 18 में।
18 में ये पूरी तरीके से पास हो जाता है, और उसके बाद जाके अगस्त, अगस्त 15, 1947 को इट केम इनटू इफेक्ट। और इफेक्ट में आते ही हमारे दो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी बननी चालू हो गई, एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, एक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ब्रिटिश जो पैरामाउंसी है लैप्स कर जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जितने भी फंक्शंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, और फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मिल जाता है स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स, स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रिंसली स्टेट को अगेन ये ऑप्शन दिया जाता है कि ज्वाइन करिए आप, या तो नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी होती है इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब आते हैं हम लोग हमारे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट होता है पहली बार 1934 में। तो अगर आपसे बोले कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था, तो वो दिया था एम एन रॉय ने। 1934 में उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा और बनाना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये एम एन रॉय ने पहली बार दिया था। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने सबसे पहली बार डिमांड रखा था, कांग्रेस डिमांड। कांग्रेस के डिमांड रखने के बाद 1935 में, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भाई हमको बिना किसी फॉरेन इंटरवेंशन के, बिना किसी फॉरेन इंटरफेरेंस के ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाना है, यानी कि कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इसके बनने में, ठीक है। तो ये सब कहने लगे 1938। 1948 में जो ब्रिटेन का गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे, और 1940 में आता है अगस्त ऑफर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात मान ली गई है 1948 में अगस्त ऑफर। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आते हैं सबसे पहले क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। उसके बाद 1946 में, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ही फाइनली इसी मिशन के द्वारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और सबसे पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनने की होती है नवंबर 1946 में, ठीक है। तो नवंबर 1946 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है पहली बार, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने कितनी सीटें होंगी ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो पहली बात, इसकी जो सीटें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो सीटें हैं वो किसके आधार पर होगी, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के आधार पे होगी। कितने पॉपुलेशन की एक सीट होगी, करीबन 10 लाख, 10 लाख पॉपुलेशन का जो एरिया है वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजेगा, दैट इज इक्वल टू 1 सीट, ठीक है। टोटल सीटें कितनी होंगी, 389, 389 टोटल सीटें होंगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अच्छा, अब ये 389 सीट जो है ये कुछ तो आपके ब्रिटिश इंडिया की है, कुछ आपके प्रिंसली स्टेट्स की है। तो प्रिंसली स्टेट्स की जो सीटें हैं वो बताई गई 93, और जो ब्रिटिश इंडिया की सीट्स है वो बताई गई 296। तो फिर जाके टोटल 389 सीट्स बना, ठीक है। अब ये 296 जो सीटें हैं उसका इलेक्शन होता है, उसका इलेक्शन के रिजल्ट देखेंगे हम लोग क्या है, ठीक है, रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन देखेंगे। तो ये जो 296 सीट्स हैं इनमें कांग्रेस ने जीती 208, और मुस्लिम लीग ने जीती 73, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती 73। बच गए कितने हैं, 15 बच गए। तो 15 वेयर इंडिपेंडेंट्स, किसी पार्टी से नहीं थे, इंडिपेंडेंट इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो ये जीते थे। टोटल मिला के 296 हो गया। तो आप कहेंगे आप प्रिंसली स्टेट का बताइए, प्रिंसली स्टेट में टोटल 93 थे, और 93 में प्रिंसली स्टेट ने कहा कि भाई ये कोई ज्वाइन नहीं करेगा, नो वन ज्वाइंट, कुछ ने ज्वाइन किया नहीं। तो बेसिकली 296 लोग चुन के आए, 93 ने यहाँ पे फाइनली ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो इलेक्शन था कैसा इलेक्शन था, क्या ये डायरेक्ट इलेक्शन था, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ठीक है। क्या इसमें एडल्ट फ्रेंचाइज था, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 साल से ऊपर लोगों को, जिनको वयस्क मान लिया गया है, जिन लोगों को एडल्ट मान लिया गया है वो वोट डाल सकते हैं, तो क्या ऐसा सिस्टम था, बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं था। तो वोटिंग राइट्स वेयर बेस्ड ऑन क्लास, रिच पीपल ही वोट कर पाते थे, और जिनके पास लैंड लॉर्ड एटसेट्रा जो लोग होते थे वो सारे वोट कर पाते थे, सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिली थी, एक एजुकेशन का क्राइटेरिया भी था, ये सारी क्राइटेरिया थे, ठीक है।
उसके बाद अगला पूछा जाता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन्ना थे, तो जिन्ना भी नहीं थे, और गांधी जी थे, तो गांधी जी भी इसमें नहीं थे। ठीक है, तो ये बात होगी इलेक्शन की। इलेक्शन होके 296 लोग चुन के आते हैं, और सबसे पहली बार मीटिंग कब करते हैं? सबसे पहली बार मीटिंग इनकी होती है 9 दिसंबर। ठीक है, ये नवंबर में बन गया था एक्चुअली, में नवंबर 1946 में बन गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेकिन पहली बार मीटिंग करने कब बैठता है? फर्स्ट 9 दिसंबर ऑफ 1946 में ये पहला मीटिंग करता है। ठीक है, सेकेंड मीटिंग कब होता है? सेकेंड मीटिंग होता है 11 दिसंबर को 1946। ठीक है, अब 11 दिसंबर को कुछ खास बातें होती हैं। ठीक है, अच्छा अभी कुछ फर्स्ट मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। भाई फर्स्ट मीटिंग आपका 9 दिसंबर को हुआ था, सवाल पूछेगा आपसे क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसमें था? तो बिल्कुल नहीं था, ज्वाइन नहीं किया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, अच्छा इलेक्शन कब हुआ था? इलेक्शन का डेट भी आप जान सकते हैं कि भाई जुलाई अगस्त के टाइम पे ये हुआ था, इलेक्शन हुआ था, फाइनली नवंबर में बन गया, पहली मीटिंग उसकी दिसंबर में हुई, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पार्ट नहीं लिया था। कितने टोटल कितने मेंबर्स थे? 211 मेंबर्स पहली मीटिंग में बैठे थे। भाई 296 टोटल बैठने चाहिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने छुट्टी मार दी। ठीक है, टोटल बैठे कितने मेंबर्स थे? तो 211 मेंबर्स आपके फर्स्ट मीटिंग अटेंड किया था। ठीक है, सेकेंड मीटिंग हमने बताया 11 दिसंबर को हुआ, उसमें कुछ स्पेशल काम किए गए। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा ये तो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले एक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे सबसे पहले टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट, सबसे एजेड व्यक्ति थे। उनको कहा गया कि आप प्रेसिडेंट बनाइए, इन्होंने सबको ओथ दिलाया, ओथ दिलाने के बाद वोटिंग हुई, और वोटिंग होने के बाद फाइनली जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहला प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया। प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी चूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कौन है? दो वाइस प्रेसिडेंट चूज किए गए, वो है सबसे पहले H.C. मुखर्जी साहब, और सेकंड है V.T. कृष्णमाचारी। V.T. कृष्णमाचारी जी आपके सेकंड, आपके वाइस प्रेसिडेंट चूज कर दिए गए। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड मीट। अच्छा सेकंड मीट में एक और चीज हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो रीड किया गया भाई जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा। ठीक है, वो बाद में अडॉप्ट होगा, लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपके 11 दिसंबर को हो गई थी। ठीक है, अच्छा तो ऐसे करके पहला मीट, दूसरा मीट, ऐसे करके टोटल कितने मीट हुए? टोटल आपके 11 मीटिंग्स होती हैं। टोटल कितना समय लगता है? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये बनके तैयार हो जाता है। अच्छा कितने कितने कितना खर्चा होता है टोटल? यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल खर्चा होता है 64 लाख। 64 लाख का टोटल खर्चा होता है। अच्छा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेके नहीं बना था, 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया और उनके बातों को समझा गया, फिर जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अडॉप्ट होता है। ठीक है, अच्छा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा आपसे कि भाई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कितने टाइम तक कंसिडर किया गया? तो 211 नहीं, 114 दिन। मतलब इन्होंने क्या करा, सबसे पहले सारी चीजें, ये सब 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिला के सारा आपका ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन पे टोटल आपके कितने दिन डिस्कशन हुआ? तो इसमें 114 दिन, हमने यहां पे देखा कि 114 डेज का डिस्कशन आपका होता है ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजर? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव। बी एन राव साहब थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को क्लियर हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनके हमारा प्रॉपर तैयार होता है, बी एन राव साहब पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उसके ऊपर 114 दिन बहस होती है, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। और अच्छा उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट और है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की बात बता रहे हैं हम लोग। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? 22 आपका जुलाई 1947 को डिसाइड किया गया था कि हमारा नेशनल फ्लैग कैसा होगा। नेशनल फ्लैग डिसाइड कर लिया गया था 22 जुलाई 1947 को, काफी इंपॉर्टेंट है। 29 जनवरी को 1947 को क्या हुआ था? ड्राफ्टिंग कमिटी बनी, ड्राफ्टिंग कमिटी बनी इन द चेयरमैनशिप ऑफ
डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है 29 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो ये बात हम लोग यहाँ पे समझ में आ गई। सॉरी ये थोड़ा, ये जनवरी नहीं है, ये अगस्त है, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को आपका ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? देखिए नेशनल फ्लैग पहले ही बन चुका था, नेशनल फ्लैग पहले ही बन चुका था आपका 1947 में, लेकिन आपके बाकी सारे काम इन द सेंस कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को बनाया गया, डिसाइड किया गया क्या बनेगा 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को ही सबसे फर्स्ट राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सबसे पहला राष्ट्रपति बना दिया गया था, ठीक है। ऑब्वियसली इलेक्शन नहीं हुआ था इसका भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब बना दिया गया था राष्ट्रपति, उसके बाद इलेक्शन हुआ था कुछ साल बाद, ठीक है। उसके बाद दोबारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन पहली बार प्रेसिडेंट आपके बनते हैं 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, हमने सारी मीटिंग देख ली, इंपॉर्टेंट मीटिंग देख ली, कितने मीटिंग हो गए, कितना पैसा लगा, कौन कौन से कंट्री से लिया गया है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करना देखा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा ये देखा, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 296 सीट्स थी, इनमें से आपसे बोला जाएगा कितनी महिलाएं थी, हाउ मेनी वुमेन वेयर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो केवल 15 आपके वुमेन मेंबर्स थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो उनको याद करना जरूरी है, आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। तो याद करने का आसान तरीका, आसान क्या तरीका, तो कुछ तरीका बताता हूँ याद करने का। सबसे पहले आपको वो जो बहुत ही इजी है याद करने, जैसे सरोजनी नायडू, ठीक है, सबको मालूम है सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी ये भी सबको मालूम है, विजयलक्ष्मी पंडित ये भी बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, ये चार आएंगे तो आप गलत करने के चांसेस तो आपके है ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए याद करने का तरीका, दो तो चौधरी, कमला चौधरी और मालती चौधरी, ठीक है, दो चौधरी, दो रॉय, लीला रॉय और रेणुका रे है एक्चुअली, लेकिन इस तरीके से मैं याद करता हूँ कि भाई रेणुका रे और लीला रॉय, लीला रॉय और रेणुका रे, ठीक है। तो चार ये हो गई, दो और दो, छह और आठ, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके आपके यहाँ पे ए से दो हैं, अमू स्वामीनाथन और एनी मैस्करेन, अमू स्वामीनाथन और एनी मैस्करेन, ठीक है। उसके बाद दुर्गा भाई देशमुख, दुर्गा भाई देशमुख आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है, मतलब साउथ से आती आती हैं आंध्र प्रदेश। उसके बाद दक्षा यानी वेलायुधन, दक्षा यानी वेलायुधन, इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये डिफिकल्ट है तो याद भी हो जाएगा, नाम देखेंगे आपको ऑप्शन में मारने का तो ये आप हिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हंसा मेहता जी थी, हंसा मेहता जी थी और पूर्णिमा बनर्जी थी, ठीक है, हंसा मेहता पूर्णिमा बनर्जी। फिर देखेंगे भाई, देखिए पहले तो हमने देखा सरोज नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृत राव, ठीक है, ये आसान है। उसके बाद दो रॉय, रेणुका रॉय और लीला रॉय, दो चौधरी, मालती चौधरी और कमला चौधरी, इसके अलावा पूर्णिमा बनर्जी, ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, दुर्गा भाई देशमुख, ये दक्षा यानी वेलायुधन, डिफिकल्ट जो नाम है, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, ठीक है, BAR, बेगम एजाज रसूल, ठीक है। तो ये 15 मेंबर्स जो वुमेन मेंबर्स हैं ये आपको याद रखना है, ये आपका मैथ द फॉलोइंग में पूछ सकता है, 1 2 3 टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आपको ये चेक कर सकता है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो फिर से देखेंगे हम लोग, सबसे पहला मीटिंग कब हुआ था, हमने कहा कि 9 दिसंबर ऑफ 1946, अगला था 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर में हमने देखा था कि भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद इस पे वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो जाता है इस समय, कब, 22 जनवरी 1947, ठीक है, 11 दिसंबर को इंट्रोड्यूस होता है, 22 जनवरी को ये अडॉप्ट पास हो जाता है, अडॉप्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 29 अगस्त हमने देखा था क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब चेयरमैन होते हैं, ठीक है। उसके बाद और 7 मेंबर याद रखना है, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, उसके बाद के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला,
बी एल मित्तर और डीपी खेतान, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका मैं कैसे याद रखता हूँ कि देखिए कृष्ण जी के नाम पे सारे नाम होंगे, ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर जी, और कृष्ण जी का दूसरा नाम गोपाल भी है, तो एन गोपाल स्वामी, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अय्यंगर है इनका पूरा नाम, एन गोपाल स्वामी अय्यंगर, उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, भगवान के नाम पे दो हो गए, ठीक है, एक मुस्लिम हो गए मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, ऑब्वियसली बी आर अंबेडकर और के एम मुंशी याद रह जाता है। उसके बाद छठे और सातवें याद रखने में कोई इशू नहीं होता, देखिए बी एल मित्तर साहब हैं और डीपी खेतान साहब हैं, ठीक है, ये इनका इनकी डेथ हो गई थी या ये रिजाइन कर दिए थे, मतलब कुल मिला के ये पूरे टाइम तक नहीं रहते, तो बी एल मित्तर साहब के जगह पे आपके एन माधव राव आते हैं, ठीक है, एम माधव राव आते हैं, और डीपी खेतान की जगह आते हैं टी टी कृष्णमाचारी, टी टी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो देखिए हमने क्या देखा, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, माधव राव और कृष्णमाचारी, तो चार तो भगवान हो गए, चार तो कृष्ण जी के नाम से आपके चार याद हो जाएंगे, बी आर अंबेडकर के मुंशी याद हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके अलावा एक मुस्लिम थे जो है मोहम्मद सादुल्ला, तो ये सात मेंबर्स हैं आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के, सबके नाम याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये था कि भैया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के आया है आपके पास उसको आप स्टडी करिए, उसमें कुछ चेंजेस हैं तो वो आप करिए, ठीक है। तो सबसे पहला ड्राफ्ट किसने रखा था, बी एन राव ने बनाया था, बी एन राव जो कॉन्स्टिट्यूट जो एडवाइजर थे उन्होंने आपका ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, उस पर डिस्कशन होना चालू हो गया। तो बेसिकली तीन रीडिंग होते हैं, दे आर थ्री रीडिंग। सबसे पहली रीडिंग कब हुई थी, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, ठीक है। तो ये 1947 में बना रीडिंग, ड्राफ्टिंग कमेटी 47 बना, पहली रीडिंग हुई 4 नवंबर 1948 में, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड आपका 15 नवंबर से, ठीक है, 15 नवंबर 1948 से, अब भाई साल बदल जाएगा, टू 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949। उसके बाद थर्ड रीडिंग जो होती है दैट इज 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो हमने देखा ये सबसे बड़ी रीडिंग थी, सब काम नवंबर में हुआ, चार चार से 9 नवंबर, फिर 15 नवंबर से 18 अक्टूबर अगले साल का, उसके बाद फिर नवंबर में ये कंप्लीट भी होता है, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट कर लिया गया, इट वॉज एडॉप्टेड एंड इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट कर लिया जाता है, ये इफेक्ट में आ जाता है, विद इफेक्ट फ्रॉम अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, वेन इट केम इन टू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये कहानी भी हमको पता है कि 26 जनवरी क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, ठीक है, आपका दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को लाया गया था, और ये कहा गया था कि भाई 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा जाएगा, तो उसी 26 जनवरी को कमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक बातें हम लोगों को क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं भाई, तीन रीडिंग्स देख ली हमने, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कितने बनाया था, कितनी रीडिंग हुई थी, कब कब रीडिंग हुई थी, पहला मीट दूसरा मीट, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली हैं, ठीक है। 22 जनवरी को हमने देखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो इसके पहले हम लोगों ने बाकी सारी चीजें भी देख ली थी कि भाई आपका नेशनल फ्लैग कब आया था, देखिए 22 जुलाई को आया था नेशनल फ्लैग, 22 जनवरी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ, फिर 22 जुलाई, 22 जनवरी, 22 जुलाई, 22 जुलाई को फ्लैग आया, ठीक है। उसके बाद 29 अगस्त, ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी, ये 1950 है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब कुछ चीजें हम लोग मिस कर जाते हैं। सबसे पहले नेशनल फ्लैग आ गया था 1947 में ही, लेकिन नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग आता है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये बातें हम लोग को ध्यान रखनी है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम लोग कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चीजें बारे में हमको जानना जरूरी है। 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन इनका हुआ था 1891 में, और इनकी इनका डेथ हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हो जाती है, बॉर्न हुए थे 14 अप्रैल 1891 को पहली बार। दूसरी बार इनको क्या भारत रत्न मिला है, इनको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न कब मिला है, तो याद रखिए 31 मार्च ऑफ 1990,
31 मार्च 1990 को इनको भारत रत्न दिया गया पोस्टमसली, ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न इनको मिला, ठीक है। अच्छा, इनका इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुआ था, कहां से हुआ था? तो सबसे पहले ईस्ट बंगाल से हुआ था, ईस्ट बंगाल, बाद में पाकिस्तान चला जाता है। तो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान चला जाता है तो उसको उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ा। कहां से लड़ाई? ये लोग पुणे में, तो पुणे में ऑब्वियसली कोई ना कोई पुणे से चूज किए गए होंगे, तो पुणे से पहले चूज किए गए थे एम आर जयकर, ठीक है, एम आर जयकर, ये सबसे पहले इंडियन जज आपको याद होगा होंगे, ठीक है, जो आपका फेडरल कोर्ट बना था उसके जज भी थे एम आर जयकर, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। तो पुणे से एम आर जयकर चूज करते हैं, लेकिन भाई अंबेडकर साहब के लिए इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, इलेक्शन हुआ, डॉक्टर अंबेडकर फिर पुणे से चुने गए, ठीक है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की कहानी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज देखेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में काफी बड़ा डिस्कशन होता है, डिस्कशन में कहा गया कि क्या एडल्ट फ्रेंचाइज रखा जाए, यानी कि सबको क्या वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो इसके समर्थन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके समर्थन में थे, और जवाहरलाल नेहरू भी समर्थन में थे, ठीक है। लेकिन इसलिए भाई एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू कर दिया गया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइज के कुछ लोग अपोजिशन भी कर रहे थे, जैसे कि मौलाना आजाद। मौलाना आजाद जी का कहना था कि आपका जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वो आपको देना चाहिए बाद में, कम से कम 15 साल तक, 15 साल तक, जब तक हम प्रॉपर सबका एजुकेशन और प्रॉपर डेवलपमेंट ना कर लें तब तक सबको वोटिंग राइट्स ना दी जाए। लेकिन इसका विरोध हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल अड़ अड़ गए कि भैया एडल्ट फ्रेंचाइज स्टार्टिंग में ही मिलनी चाहिए, और यही जाके फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट हमारी फॉर्म हो जाती है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू होता था, मैंने देखा ना दिसंबर में, नवंबर में बना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। उससे पहले कुछ बात हुई, आपका इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब हम आप अपना अपना संभालिए, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया। तो इंटरिम गवर्नमेंट में आपका का हेड आपके जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, और इनके कुछ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये इंडिया का सारा जो काम है संभालेंगे इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था उस समय, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा फिर जाके इलेक्शन होगा फिर जाके प्रॉपर चूज प्रॉपर गवर्नमेंट बनेगी इंडिया की। लेकिन भाई जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक कोई कोई तो ऐसा बॉडी होगा जो कि कंट्री को गवर्न करेगा, तो उसके लिए आपका इंटरिम गवर्नमेंट बना था अंडर द हेड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, लोगों ने कहा ठीक है भाई मत ज्वाइन करो, अपना काम जो चलाते रहे। उसके बाद मुस्लिम लीग को लगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ज्वाइन करेंगे। क्यों ज्वाइन करेंगे? इनका काम यह था कि भैया ज्वाइन करके इनका काम करने ना दिया जाए सरकार को। तो 26 अक्टूबर 1946 को ये ज्वाइन हो जाते हैं आपके सरकार में, ठीक है, सरकार में ज्वाइन हो जाते हैं, और 5 मिनिस्टर्स, यहां पे 4 लिखे हैं, 5 मिनिस्टर हो जाते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे उनमें से लियाकत अली को मिला था फाइनेंस डिपार्टमेंट, टी चुंदरीगढ़ को मिला था कॉमर्स, अब्दुल राय निस्तार को मिला था कम्युनिकेशन, और गजनफर अली खान को मिला था हेल्थ, ठीक है, गजनफर अली खान को मिला था हेल्थ। इसके अलावा आपके जोगिंदर नाथ मंडल थे, जोगिंदर नाथ मंडल, जोगिंदर नाथ मंडल भी आपके मुस्लिम लीग से ही थे, जिनको लॉ का काम मिला था, लॉ मिनिस्टर थे ये जोगिंदर नाथ मंडल, ठीक है। तो इन द इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये पूरी कहानी इंटरिम गवर्नमेंट की हम लोगों ने समझ ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेइंग्स है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया, ये किसने कहा था? तो ये सवाल पूछता है, ये कहा था आपका ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि एक ही आपका पार्टी रूल है कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी एक ही पार्टी से गवर्न होता है जो कि कांग्रेस है, तो इसलिए असेंबली वॉज कांग्रेस और कांग्रेस वॉज इंडिया, ऐसा कहना था ग्रैनविल ऑस्टिन का, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था आपका आइवर जेनिंग्स ने। तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन और आइवर जेनिंग्स के ये जो स्टेंस हैं हम लोग को याद रखना है।
तो इसी के साथ ही हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन काफी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है समझेंगे। तो उसको समझने से पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो भाई फंडामेंटल राइट्स हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे जो कि हमारे लिए फंडामेंटल है, काफी इंपॉर्टेंट राइट्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट जिसका प्रोटेक्ट करता था। फंडामेंटल राइट्स अगर आपका कोई ले लेता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, केस कर सकते हैं उसके अगेंस्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फंडामेंटल राइट्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब सवाल उठता है क्या ये फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं। तो अभी यहां पे इसका जवाब मिलता है हम लोग आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स को आप कोई भी लॉ बना के किसी भी लॉ से आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स को किसी भी लॉ बना के चेंज नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को, ये कहा गया आर्टिकल 13 में। फिर आता है हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमको क्या बताता है, ये बताता है कि एक फंडामेंटल राइट है जिसे कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको कर्टेल कर दिया गया, इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करने की वजह से हम कह सकते हैं कि भैया फंडामेंटल राइट्स को टारगेट किया जा रहा है। और आर्टिकल 13 हमारा ये कहता है कि किसी भी हालत में फंडामेंटल राइट्स को कोई लॉ टारगेट नहीं कर सकता, कोई लॉ बना के टारगेट नहीं कर सकता। लेकिन अमेंडमेंट बना दिया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसी को चैलेंज करते हुए शंकरी प्रसाद का केस इंपॉर्टेंट आ जाता है। शंकरी प्रसाद के केस में ऐसा था कि शंकरी प्रसाद जी का जो लैंड है इसी के थ्रू ले लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। शंकरी प्रसाद जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस करने के बाद शंकरी प्रसाद का 1951 का जजमेंट आया। जजमेंट में उन्होंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करते हैं हम तो हम लोग फंडामेंटल राइट में चेंज ला सकते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा गया आर्टिकल 13 में कि कोई लॉ बना के आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम तो यहां अमेंडमेंट कर रहे हैं तो अमेंडमेंट करके तो चेंज कर सकते हैं। तो ये था शंकरी प्रसाद का जजमेंट। और अब से 1951 से ये सिस्टम आ गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर लेकिन शर्त है कि उसको आर्टिकल 368 के द्वारा एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमें, उसको करके हम लोग फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यही सिस्टम चला। उसके बाद 1964 में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जिसमें 9th शेड्यूल जो है 9th शेड्यूल के अंदर कुछ स्टेट के लॉज डाल दिए जाते हैं। अब ये 9th शेड्यूल क्या है देखते हैं। भाई 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट ऑफ लॉज है जिसमें जिसको अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उसको उसमें उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। ये है 9th शेड्यूल। तो कुछ लॉज को स्टेट लॉज को एक्ट करा गया था इन 9th शेड्यूल बाय द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसको ये चैलेंज हो गया, ये चैलेंज हो गया अंडर द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, अब ये 11 जजेस बैठी यहां पे। अच्छा, यहां पे कंसेप्ट हमको समझना है, कम से कम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बुलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंज की बात आती है और ऐसा कुछ केस आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के बारे में कोई केस है तो उसको जज करने के लिए आपके 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस की एक बेंच बैठेगी जिसको हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 11 जजेस बैठे, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है? हाँ बिल्कुल है, तो 5 से ज्यादा होने चाहिए, तो 5 से ज्यादा है, 11 इज मोर देन 5। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। डिस्कशन किया इन्होंने, डिस्कशन करने के बाद गोलकनाथ साहब ने ये जो आपका शंकरी प्रसाद का जजमेंट है इसको कर दिया खारिज। ठीक है, शंकरी प्रसाद का जजमेंट खारिज कर दिया इन्होंने और कहा कि भाई फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल DENTL ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल IMMUTABLE इम्यूटेबल और ट्रांसेंडेंटल है क्या फंडामेंटल राइट्स? तो अगर फंडामेंटल राइट्स को इतनी इज्जत दी गई है तो क्या फंडामेंटल राइट्स को हम लोग लॉ से चेंज कर सकते हैं? वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आर्टिकल 13 में लिखा है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से चेंज कर सकते हैं? उससे भी आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, ऐसा कहा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने। तो इसका रिएक्शन आया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
जो ये कहता है कि भैया 368 जो कि हमारा एक्ट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आर्टिकल 368 के अंडर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ऐसा बोला आर्टिकल सॉरी 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने, जो कि इसके बाद आया था 1967। तो बेसिकली अब क्या हो गया, 1961 की जजमेंट और ये 24th अमेंडमेंट के अंदर एक क्लैश आ गया भाई। 67 और 67 कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स आप चेंज ही नहीं कर सकते, 24th अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि भाई हाँ सब कुछ चेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर फाइनली एक जजमेंट आता है 1973 का, केशव नंदा भारती, और ये आज तक का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसमें 13 जजेस बैठे। तो भाई 13 जजेस अगर बैठे तो 11 जजेस से ज्यादा ही हुए ना। तो इन्होंने एक बात कह दी, इन्होंने बात कह दी कि हाँ जो आप कह रहे हो 24th अमेंडमेंट में, 24th अमेंडमेंट में जो आप ये एक बात कह दिया कि आप आर्टिकल 368 के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हो, तो इसको अपहेल्ड किया। केशव नंदा भारती का जो केस था, 13 जजेस के बेंच ने कहा कि हाँ बिल्कुल आप अमेंड कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन आपको एक स्पेशल चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज का? आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करें। तो इन्होंने एट रैंडम डिसाइड कर दिए कुछ ऐसे चीजें जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया आ जाएंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर में एक बार आ गया उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते कोई अमेंडमेंट के थ्रू, और अगर कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है तो आप आराम से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। तो यहां पे एक बात हमको समझ में आया, यहां पर केशव नंदा भारती केस से आया सबसे पहली बार द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आ गया। फिर इसका इस्तेमाल कई जगह पे होता है, देखते हैं 1971 में इलेक्शन होता है, 1971 में का इलेक्शन होता है रायबरेली का, रायबरेली का जो इलेक्शन होता है ये लड़ते हैं राज नारायण साहब और इंदिरा गांधी जी। तो इसमें ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी जी जीत जाती है इलेक्शन, लेकिन राज नारायण केस कर देते हैं, कहते हैं कि भाई आपका गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था इंदिरा गांधी को जीतने के लिए, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चलता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फिर जजमेंट आता है, जजमेंट में कहा कि हाँ बिल्कुल इलीगल है, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का जो आपका इलेक्शन था वो, इंदिरा गांधी जो जीती थी वो अनफेयर मींस का यूज किया गया था, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था जीतने के लिए, तो इंदिरा गांधी के जो विन को इलीगल कर दिया गया था और इंदिरा गांधी जी पे 6 साल का बैन लगा दिया गया था। तो भाई 6 साल का बैन जब लगा दिया गया था तो उसी के बाद आपकी इमरजेंसी ले आई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो ये पूरी कहानी हम लोगों को पता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी इसके रिस्पॉन्स पे ले आती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भाई 1971 का इलेक्शन आया था लेकिन आपका इसका आपका रिजल्ट जो आया था इसका कोर्ट केस का वो आपका 1975 के आसपास आया था, 1976 में लगा देती है इलेक्शन, आपका इमरजेंसी लग जाती है। और उसके बाद 46nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ले आती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। उसमें उन्होंने कहा था कि भैया आर्टिकल 368 जो है इसका कोई भी पावर मतलब की लिमिट नहीं है, किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है, फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है, बहुत कुछ चेंज कर सकती है, और इसने जो चेंजेस किए उसके ऊपर आप कोर्ट पे जा नहीं सकते, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। जो भी चेंजेस हमने आर्टिकल 368 का यूज करके किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अगेंस्ट उसको चैलेंज करते हुए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ऐसी बात कर दी थी आर्टिकल आपका 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो आपका आ गया था इसको कैंसिल किसने किया, इसको कैंसिल करने के लिए ऑब्वियसली 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, और उसके बाद एक केस और आता है मिनर्वा मिल्स केस। तो मिनर्वा मिल्स केस में आपका जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर दिया गया, यानी कि जो पावर ऑफ कोर्ट्स हैं टू रिव्यू लॉज या अमेंडमेंट्स, ठीक है, इस पावर को एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर दिया गया और कहा कि किसी भी हालत में कोई अमेंडमेंट करके आप जुडिशियल रिव्यू को खारिज नहीं कर सकते। तो ये था मिनर्वा मिल्स का इंपॉर्टेंट केस। और इन्होंने कहा कि दूसरी बात यह कही कि जो 368 का आर्टिकल है, 368 का जो आर्टिकल है इसके पावर जो है लिमिटेड है, इसको आप एब्सोल्यूट नहीं बना सकते, इसके इसका पावर एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेड पावर है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद 1981 का आता है वमन राव केस। वमन राव केस, तो वमन राव केस में आपका ये कहा गया कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, अब क्या है, कोई भी मान लीजिए अमेंडमेंट हो रहा है, कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट चला गया, तो वो अमेंडमेंट को खारिज कर सकते हैं लोग, कोर्ट में पहुंचने लगे। तो वमन राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये जो कंसेप्ट है कि जो आर्टिकल 368 आपका बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता, ये वाला जो कंसेप्ट है उन सारे अमेंडमेंट पे लगेगा जो कि आपके 24 अप्रैल 1973 के बाद के एक्ट्स हैं। ठीक है, अगर इस डेट के पहले कोई एक्ट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर इससे पहले कोई पास होता है और वो बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करता है, किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा, वो सारे लॉज जो इस जजमेंट के बाद आएंगे उन पर एप्लीकेबल है, उनसे पहले वाले केस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, इसका उन्होंने स्टार्टिंग डेट मुकर्रर किया जो कि है 24 अप्रैल 1973, और ये एक इंपॉर्टेंट डेट है जब आपका केशवनंती नंदा भारती केस का जजमेंट आया था। तो ये था वमन राव का केस। ठीक है, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट केस है। अब क्या होता है, केसेस आते रहते हैं, और कोई भी केस अगर आता है, इंपॉर्टेंट लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस के टॉपिक को आपका बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर देती है, कहती है कि अब से ये बेसिक स्ट्रक्चर में है। जैसे कि यहाँ देखिए, इंदिरा सावने और अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1992, इंदिरा सावने केस। इस केस में इसको मंडल केस भी कहते हैं, और इसमें ऐड किया गया रूल ऑफ लॉ। तो अगर आपसे पूछे कि जो इंदिरा सावनी केस है इसमें क्या ऐड किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर में, तो आप कहेंगे रूल ऑफ लॉ इट वॉज एडेड इन टू द बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, की हो तो होलोहैन केस अगले साल आता था 1993 में, इसे डिफेक्शन केस कहते हैं। इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सॉवरनिटी, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक स्ट्रक्चर, इसको ऐड कर दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर में। तो ये की हो तो होलोहैन केस हो गया। नेक्स्ट है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1994, इसमें फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी, ठीक है, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को ऐड कर दिया जाता है इन बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसे करके कई सारे केसेस हैं, ये तो इंपॉर्टेंट केसेस है। इंदिरा सावनी याद रखिए, रूल ऑफ लॉ, की हो तो होलो है इसमें याद रखिए, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्ट्रक्चर, सॉवरनिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसआर बोमई, एसआर बोमई में याद रखिए फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसके बाद अलग अलग केस आते गए और केस के साथ कुछ कुछ नई बातें बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड होती गई। ठीक है, अरे ये तो थोड़ा कौन कौन सी चीजें आ चुकी हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन, ये किससे आया था अभी देखा ना हमने, ये आया था हमारे इससे कि हो तो होलो हैंड केस से। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरल कैरेक्टर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, वेलफेयर स्टेट, आपका जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हमने देखा इंपॉर्टेंट किससे आया, अगेन देखिए रूल ऑफ लॉ आया आपका इंदिरा सानी केस से, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमने की हो तो होलो हैन, होलो हैन। उसके बाद एस आर बोमई में हमने देखा फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वगैरह आता है। ठीक है, तो उसके बाद हार्मनी, बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये किससे आया आपने देख लिया होलो हैन वाला केस से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर जो पावर है वो अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो पावर लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं कर सकते उसको। ठीक है, प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142 और 226 और 227। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 32 आपको पता ही है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो आप रिट्स पास करते हैं वो 32 है, वही रिट्स आप 226 में स्टेट पास कर सकता है, यानी कि हाई कोर्ट पास कर सकता है, स्टेट का हाई कोर्ट पास कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी आ जाती हैं इन बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसको 3-4 बार पढ़िए, थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4 टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, आप इजीली यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो भी हम लोगों को याद रखना है, तो यहाँ हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो होगा कमिटीज, इंपॉर्टेंट कमिटीज, इनको याद, डायरेक्ट पूछता है आपके जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन होता है तो कुछ कुछ कमिटीज बनाई जाती है, उन कमिटीज के चेयरमैन के नाम एकदम पूछता है, इसको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। ये तो कुछ मेजर है, ये तो भूल ही नहीं सकते आप, याद रखिए पावर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, जो भी चीज यूनियन से रिलेटेड है, जवाहरलाल नेहरू याद रखिए।
रूल्स ऑफ प्रोसीजर कौन फॉलो करवाएगा? जो प्रेसिडेंट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ये याद रखिए सरदार पटेल, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है, ठीक है, केवल प्रोविंशियल नहीं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी सरदार पटेल है। स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमिटी अंबेडकर साहब। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी, भाई जहां भी यूनियन लग जाएगा ना, आप समझ लीजिए जवाहरलाल नेहरू ही है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हो या यूनियन पावर कमिटी हो, जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमिटी है, वो भी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लेकिन आपके प्रोविंशियल अगर कॉन्स्टिट्यूशन लग जाएगा कमिटी तो सरदार पटेल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर आपके कमिटीज हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद एक मेजर कमिटी आपका ये था, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इस पूरे एडवाइजरी कमिटी का जो हेड थे वो थे सरदार पटेल जी, लेकिन इस कमिटी के अंदर कुछ छोटे सब कमिटीज थे, 5 सब कमिटीज थे। एक तो फंडामेंटल राइट सब कमिटी, अभी ये एडवाइजरी कमिटी फंडामेंटल राइट्स का भी है, माइनॉरिटीज का भी है, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज का भी है। तो अब इसको छोटे पार्ट में तोड़ दिया, हमने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स का सब कमेटी है, उसके जो हेड होंगे ये भी कृपलानी साहब होंगे, माइनॉरिटी सब कमेटी के जो हेड होंगे वो होंगे एचसी मुखर्जी। अच्छा, अब ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज कुछ जगह है नॉर्थ ईस्ट में है आपके, नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो ट्राइबल एरियाज का सब कमेटी है वो चला गया पाकिस्तान में, तो उसके बारे में बात नहीं करते। नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज हैं असम वगैरह, उनके हैं आपके गोपीनाथ बारदोलोई, ठीक है, ये नेम भी असामीज है और ये असम का है तो याद रखना भी इजी है, ठीक है। माइनॉरिटीज का कैसे याद रखते हैं, भी देख सकते हैं कि भाई माइनॉरिटीज, तो माइनॉरिटीज के हेड कौन होंगे, खुद एक ब्राह्मण होंगे, ठीक है, तो ये याद करने का एक तरीका हो सकता है। एस सी मुखर्जी जो वाइस प्रेसिडेंट भी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। नेक्स्ट आपका भाई नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, अब ये असम के अलावा भी तो कुछ होंगे एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, उन सब के जो हेड है वो है एवी ठक्कर साहब, एवी ठक्कर साहब आपके उसके हेड थे, आसाम वाले ट्राइबल एरियाज बारदोलोई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वो तो पाकिस्तान चला गया, और इसके अलावा जो बच गए एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज उसके हैं एबी ठक्कर साहब, ठीक है। माइनॉरिटीज के एक ब्राह्मण एचसी मुखर्जी, फंडामेंटल राइट्स हैं जेबी कपलानी। ये तरीके से हम लोग ये पूरी बातें याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब आते हैं आपके माइनर कमिटीज, ठीक है, ये कमिटीज ज्यादातर लोग याद नहीं करते लेकिन याद आपको करना है, क्योंकि इससे भी पूछ सकता है कभी, अगर पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने का कुछ तरीका देखते हैं। सबसे पहले देखिए पट्टाभि सीतारमैया, पट्टाभि सीतारमैया आपके आपका क्या है, हाउस कमिटी के भी हेड हैं, और पट्टाभि सीतारमैया आपके कमिटीज ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। तो ये इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज करते हैं हम, कि हम लोगों ने पत्ते का घर बनाया किसके रहने के लिए, चीफ कमिश्नर के लिए हमने पत्ते का घर बनाया, पत्ता भी इसी तरह भैया पत्ते का घर बनाया हमने, हाउस किसके लिए, चीफ कमिश्नर के रहने के लिए। तो याद रखिए चीफ कमिश्नर के रहने के लिए पत्ते का घर बनाना मतलब ये, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, भाई स्टाफ और फाइनेंस का जो सारा सिस्टम देखेंगे कौन देखेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे ये देखिए एस वरदाचारी, एस वरदाचारी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के इंपोर्ट एक जज थे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, ये एस वरदाचारी। और भाई एक एक लीगल और चीज जिस पे काम हो रहा था वो है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप कैसे मिलनी है नहीं मिलनी है, ये भी एक लीगल इशू है, तो जो लीगल एक्सपर्ट है उसको दे दिया गया, कौन, एस वरदाचारी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक कमेटी एज वेल एज सिटीजनशिप के एडहॉक कमेटी में थे, ये पट्टाभि सीतारमैया हो गया, वरदाचारी हो गया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं फंक्शंस, फंक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस, याद रखिए ऑर्डर ऑफ बिजनेस देखेंगे मुंशी जी, और फंक्शन कौन देखेंगे, जी वी मवलंकर जी, जी वी मवलंकर जी देखेंगे फंक्शन ऑफ आपके कंस्टिट्यूशन। इसके बाद आता है आपका नेशनल फ्लैग का एडहॉक कमेटी, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये कुछ हो जाते हैं। इसके अलावा भाई देखिए लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन, भाई एक कमीशन बाद में बना भी था एस के धर के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स को देखने के लिए, तो उसके चेयरमैन भी एस के धर थे, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात अगर आ जाएगी तो याद रखिए एस के दर है, और ये भी मेंबर नहीं थे, ठीक है। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, भाई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने की स्पेशल कमेटी, वो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। प्रेस गैलरी कमेटी आपके उषानाथ सेन है, और एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन, देखिए फाइनेंस का एक और है फाइनेंस एंड स्टाफ, ये आपका राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन ये है एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कमीशन, ये है नलिनी रंजन सरकार, ठीक है। तो इसके साथ ही सारे मेजर और माइनर कमीशन हम लोग ने देख लिए। अब कुछ क्लास खत्म होने करने से पहले कुछ मिसलिनियस चीजें देखेंगे, ये बाद में भी आएगा लेकिन इसको बार बार पढ़ना सही रहता है, क्योंकि ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम लोग, लिस्ट।
हमने देखे कि भाई कहीं यूनियन लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट होते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं। तो ये लिस्ट में पूछ देता है कौन कौन किस किस में है, ठीक है। मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है, 1 2 3 टाइप क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन सा यूनियन लिस्ट है, कौन सा स्टेट लिस्ट है, इनमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में नहीं आता, इनमें इसका कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं आता, इन चारों में से कौन सा कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये सब चीजें पूछ देता है, ठीक है। और नाम लेके पूछ देता है भाई, रेडियो आपका कौन सा लिस्ट में आता है, ट्रेजर ट्रोव आपके कौन से लिस्ट में आता है, ये सब पूछ देता है। तो इंपॉर्टेंट वाले हैं हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। वैसे तो कॉन्करेंट में देखिए 52 है, सब में अलग अलग है, काफी ज्यादा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे फॉरेन भाई, फॉरेन मिनिस्ट्री का यूनियन के अंडर आती है, चाहे वो रेडियो हो या टेलीविजन हो, ये भी यूनियन के अंदर आता है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट आपका आता है यूनियन के अंदर। इसके अलावा सेविंग्स बैंक हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, रेडियो टेलीविजन हो गया, फॉरेन हो गया, ये आपके यूनियन के अंदर आते हैं। स्टेट के अंदर क्या आता है, स्टेट के अंदर याद रखिए पुलिस आता है हमेशा। पुलिस के अलावा पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सैनिटेशन, ठीक है, ट्रेजर ट्रोव, पर पर्सन टैक्स, ये सारी चीजें आती है स्टेट में। कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में देखिए आईपीसी आता है, सीआरपीसी आता है, इसके अलावा आप फॉरेस्ट आता है, वाइल्ड लाइफ आता है, फैमिली से रिलेटेड चीज है जैसे कि फैमिली प्लानिंग, या फिर आपका एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आती है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, ये याद रखना है। फिर शेड्यूल 9 क्या होता है, शेड्यूल 9 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट छू नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट छू नहीं सकता, उसके कोई केस नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, वो सारी चीजें शेड्यूल 9 में आती थी। लेकिन ऑब्वियसली 1973 में जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन में आपका 1918 में जुडिशियल रिव्यू भी ऐड कर दिया गया, उसके बाद इसका कोई महत्व नहीं रह गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमें पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे बड़ा एक्ट था जिसमें हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहीं से आया है। उसके बाद आपका गवर्नर, गवर्नर का कंसेप्ट यहीं से आया है, एमरजेंसी प्रोविजन उसका कंसेप्ट यहीं से आया, पब्लिक सर्विस कमीशन वो भी यहीं से आया है, ठीक है। अच्छा अब आपको बात करना है फंडामेंटल राइट्स कौन से कंट्री से लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया हमने यूएसए से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी लिया है आयरलैंड से, और कैबिनेट सिस्टम हमने लिया है यूके से, ठीक है, वेरी गुड। आर्टिकल 45 किसके बारे में बात करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आर्टिकल 243 किसके बारे में बात करता है, पंचायत एंड लोकल बॉडीज। आर्टिकल 256 क्या बताता है, आर्टिकल 256 आपका पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन स्टेट और सेंटर के बीच में लेजिस्लेटिव पावर किस तरीके से डिवाइड होगा, वो आपका आर्टिकल 246 में भी है। और ये स्टेट वाला लिस्ट भी है, ये सेवन शेड्यूल में आता है, सेवन शेड्यूल में भी आता है, आर्टिकल 246 में भी आता है, ठीक है। 312 बताता है ऑल इंडिया सर्विस, कोई भी ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि आईएएस आईपीएस अगर हमें लाना हो तो आर्टिकल 312 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल के ऊपर है, ठीक है। ये मिसलेनियस चीजें हैं, इसमें डिटेल नहीं जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं शेड्यूल 5 और 6, भाई 11 आपके 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल में 5th और 6th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ये 5th और 6th शेड्यूल आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है, ठीक है। तो ये जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये आपके शेड्यूल 5 में भी आ सकते हैं, 6 में भी आ सकते हैं। तो 6 में कौन सा आते हैं, याद रखिए एमएमटी, मेक माई ट्रिप नहीं, एमएमटी मतलब मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये जो तीन है ये आपके 6th में आते हैं, ठीक है। इसके इसके साथ साथ आसाम भी आपका 6th में आता है, इसके अलावा जो भी ट्राइबल एरियाज हैं वो सब हमारे 5th में आ रहे हैं। इन एमएमटी ए के अलावा जितने भी आते हैं वो हमारे शेड्यूल 5 में आते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू आपका पार्ट 9 ऐड किया गया। पार्ट 9 क्या है, पंचायत, पंचायत आपका ऐड किया गया। पंचायत आपका कौन से शेड्यूल में पड़ता है, 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया, पार्ट 9 बेस्ड ऑन पंचायत, 11th शेड्यूल, ये सब ऐड होता है। 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं, तो आपके पंचायत के अंदर आते हैं 29 सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स का मंडल पंचायत, ठीक है। उसके बाद 124 सुप्रीम कोर्ट को लेकर है, 315 आपका है ऑन यूपीएससी, यूपीएससी 315 है, ठीक है। 312 देखा था हमने ऑल इंडिया सर्विसेज, 315, 315 आपका यूपीएससी के बारे में डील करता है, 351 आपका हिंदी लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, आर्टिकल 351। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 इज ऑन अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 हमने बात करी इलेक्शंस,
एक्चुअली इलेक्शन के लिए आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इलेक्शन की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं, 324 से लेके 329 तक। तो 324 जो है वो बात करता है इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है, और उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कौन कौन होंगे, कितने कमिश्नर होंगे, ठीक है, कौन चूज करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, ये सब आर्टिकल 324 में है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस करे, अब बाकी सब हम लोग अभी इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पॉलिटिका मैटर कंप्लीट करेंगे।